कुल्लू जिला की धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकरण घाटी के रतोचा गांव की दीपा कुमारी 2 सप्ताह से न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ऐसे में पीड़ित दीपा कुमारी अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कुल्लू साक्षी वर्मा से मिलने उनके कार्यालय पहुंची। यहां पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को अपनी आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस अधीक्षक कुल्लू साक्षी वर्मा ने पीड़िता दीपा कुमारी को मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सर, मेरा नाम दीपक कुमारी है, मैं रुतोचा से रहने वाली हूँ। सर, मेरे साथ जैसे 7 तारीख को एक झगड़ा हुआ है, जैसे मेरे को बांध के रखा था उन्होंने, जैसे मेरे को मार पीट भी की और मेरे साथ बदतमीजी भी की सर। तो जैसे मैंने उसका केस जरी के उसमें लिखवाया था, तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे मैं आज 7 तारीख का वो हुआ था, आज 18 तारीख है आज सर, तो मेडिकल करवाया था हमने सर, उसमें भी फिर लेट कर रहे हैं, जैसे मेडिकल दोबारा करवा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसा है कि मेरे साथ जैसे जो किया है ना, उसको मेरे को न्याय चाहिए। वाले आदमी हैं, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जैसे उन्होंने मेरे को बांध के रखा, रस्सी से बांध के रखा, और उसके फोटो भी पड़े मेरे पास, गवाह भी मेरे पास है, तब भी मेरे जैसे जो मैंने केस किया उसमें देर कर रहे हैं। जैसे बार बार मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट है उनको भी चेंज कर रहे हैं, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस मामले में जो FIR है वो ऑलरेडी पुलिस द्वारा दर्ज की जा चुकी है, लेकिन जो उन्होंने आज हमें चीज़ें बताई हैं, जो भी इंसिडेंट्स और जो भी उनकी कंप्लेंट है उन्होंने आज हमें बताई है, और हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका करवाया गया था, पर जैसा इन्होंने अभी मुझे बताया कि उनको दोबारा से रिपोर्ट लेने के लिए एक बार दोबारा RH कुल्लू में बुलाया गया है, तो अभी वो मेडिकल करवाने गए हैं। उसके बाद जैसे भी वो आएंगे और हमारे जो पुलिस के कर्मी साथ आएंगे, तो हम इसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे। CD चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।